अगर मैं कोको मोज को थोड़ा सा अंडा लगाऊं, थोड़ा सा क्रंच लगाऊं और उसके बाद फ्राई करूं तो क्या बनेगा? तो भाई लोग, आज हम करेंगे कुछ नया ट्राई और करेंगे कोको मोज को फ्राई। इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा क्रंच और थोड़ा सा अंडा। अम्मी से खाएंगे जूता, अब्बू से खाएंगे डंडा, क्योंकि अपना यही फंडा करना है रोज को नया कारनामा और इसको पहनाना है अमली जामा। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं किचन के अंदर, तो पंगे लेने के लिए हम तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या बनता है और कैसे बनता है। चलिए अभी हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हा जला लेते हैं। तो भाई लोग, हमने यहाँ पर ये चीज़ें ले ली हैं। यहाँ पर हमने ले लिया क्रंच, यहाँ पर हमने ले लिया कोकोमो। कोकोमो के नीचे मैंने ना थोड़ी सी सब्जियाँ रखी ताकि ज़रा ज़्यादा दिखें। यार ये वैसे भांडा मैंने अपना खुद ही फोड़ दिया है। ये हमारे पास अंडा जो कि हम नुकरी दुकान से लेकर आए। अंडा बड़ा महंगा हो गया, मैं मुर्गी से उधार लेकर आऊँ, अभी जाकर उसको वापस करना है। अब इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं। ये हमारे पास कोकोमोज है, इन कोकोमोज को हम डालेंगे अंडे के अंदर। ये अंडा यार देखो यार, ये अंडा है, आय है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट निकलते हैं फाइनली। यहाँ पर मैंने साथ चूल्हे के अंदर सारा चूल्हे को मैं आग लगा देता हूँ। आग लगी हुई है पहले से, हल्की सी आंच पे करेंगे ताकि जल ना जाए। पहले मैंने ट्राई किया, सारे जल गए थे, काले कबाब बन गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई वो खा रहे हैं। छोड़ें, अब हम इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। लेट्स सी क्या बनता है हमारे पास आज। आज ये जो हम नया तजर्बा करने जा रहे हैं, यकीन कीजिए हिस्ट्री में कभी आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया होगा जो आज हम करने जा रहे हैं। अगर मैंने कोई नई चीज़ इजाद कर ली तो उसका वो नाम रखेंगे जो आज तक किसी ने नाम भी नहीं रखा, क्योंकि ये काम भी पहले कभी किसी ने नहीं किया। भाई लोग मेरे साथ रहिए, आप भाई के चैनल को फॉलो कर लीजिए, ऐसे पंगे हम करते रहेंगे। मेरे जहन में और भी बहुत से आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर हम पंगे कर सकते हैं और बड़ी बड़ी कमाल की वीडियोज़ मिलने वाली हैं। अभी हम सारी चीज़ों को मिक्स करने लगे हैं, पता नहीं क्या नई चीज़ बन जाएगी आज। यकीन कीजिए अच्छी तरह हमने कोको मोज को क्रंच लगा लिया, क्रंची कोकोमोज आज तक आपने कभी नहीं खाए होंगे। मुझे पता है आप लोग कोकोमो के फैन हो और आप लोगों को भी उनसे ये गिला है कि पांच वाले पैकेट में सिर्फ दो कोकोमोज क्यों डालते हैं। मुझे भी है, बराबर के दर्द में दुख दर्द में हम शरीक हैं, तारा दर्द हम समझे हैं। जा अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। हमने इसके ऊपर क्रंच लगाया, यार मुझे लगाना नहीं था बिकॉज आई एम नॉट अ शेफ, बस मेरे जहन में एक उल्टा सीधा खुराफाती आइडिया आया था, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, ठीक है ना। आप लोगों ने भी देखना, अगर मजा आया तो ये डिश आपने बनाकर लोगों को खिलानी है जिससे आपको नफरत है। ये देखें, अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। बड़े मैंने जल्दी से डालना और बड़ा जल्दी से निकालना ताकि कोकोमोज जल ना जाए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले भी मैंने किया था, कोकोमोज जल गए थे ये चीज़। वैसे एक और तरीका भी है कोकोमोज को फ्राई करने का। आप कोकोमोज को सारा मटेरियल लगाकर एक बाउल में डालें और ऊपर गर्म गर्म ऑयल डाल दें, इंस्टेंट फ्राई। इसको देखकर मेरे जहन में एक और आइडिया भी आया है, क्यों ना कोकोमोज को तरबूज के पानी में उबाला जाए और डेरी मिल्क को प्याज वाला तड़का लगाकर उसके साथ मिक्स करके खाया जाए। इसको हम नाम देंगे डेरी मो फ्राइड। आप आइडिया चोरी ना कर लेना। अब हम कोकोस को निकालते हैं, देखते हैं आखिर बना क्या है। यार मुझे ना सब कुछ भी नहीं करना आता, लेकिन मेरे जहन में ना खुराफाती जब आइडिया जाते हैं ना, तब मुझे उन चीजों को अमली जामा पहनाने में बड़ा मजा आता है। देखें ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो अपनी अम्मा को जाकर दिखाएं, या ऐसी नई चीज बनेगी कि आपको खाने में मजा आएगा। तो चलिए जी, फाइनली हमने कोकोमोज फ्राई कर लिया। मैंने ज़्यादा कोकोमोज फ्राई नहीं किया, मैंने कहा अभी बेड़ा गर्क हो जाए तो सारा मेरे पर नाम ना है, इस वजह से मैंने थोड़े से कच्चे कोकोमोज भी अपने पास रखे हैं ताकि इनको मैं बाद में खा के अपना टेस्ट सही कर सकूँ। तो चलिए चेक करते हैं कि आखिर इनका टेस्ट कैसा आया। तो चलिए शुरू करते हैं, चेक करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट कोई नए पैदा हुए गंडोए जैसा है। अगर इसके साथ थोड़ी उबली हुई लस्सी होती तो काफ़ी अच्छा टेस्ट हो सकता था। तो जी अभी हमने ट्राई किया था, ये अभी हमने खा के देखा, मैंने सारे घर वालों को खिलाया, सबका बहुत अच्छा रिएक्शन आया कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये वाले कोकोमोज। सारे कह रहे हैं दोबारा बना के खिलाओ। अरे भाई मैं शेफ नहीं हूँ, मैं पैसे लूँगा दोबारा बनाने की। यकीन कीजिए इतनी कमाल की रेसिपी मैंने आप लोगों को मुफ्त में दे दी है। ऐसी मजीद खुराफाती आइडियाज़ जानने के लिए भाई को फॉलो कीजिए अभी के अभी।